नमस्कार दोस्तों, लीगल 24/7 में स्वागत है आप सभी का। AIBE से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं, पॉसिबल डाउट्स जो हो सकते हैं, आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ये जो डाउट्स हैं ये दे रखे हैं शिक्षा.com की वेबसाइट पे, और शिक्षा.com की वेबसाइट पे सारे पॉसिबल जो Q&A जो होते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर Q&A, या बोल सकते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन FAQ, वो यहाँ पर दे रखे हैं। तो हम एक एक करके सारे ऑलमोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो उनको डिस्कस करते हैं। जो भी डाउट्स हैं आपके, वो सारे डाउट्स इस वीडियो में आपके ऑलमोस्ट क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले ये वीडियो हम बना रहे हैं 2022 में, तो यहाँ पर जो होने वाला है वो होने वाला है AIBE 17 यानी 17। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि AIBE 17 एग्ज़ाम कब होगा। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो है कह दिया है, या कह सकते हैं कि जल्दी ही आ सकता है, मतलब 2022 में, और नई डेवलपमेंट के अनुसार तो अगस्त दो में सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग चल रही थी उसमें BCI काउंसिल ने कहा कि एग्ज़ाम नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर हो जाएगा या हो सकता है। तो अपडेट सिलेबस जो है AIBE 17 का, वो 15 दिन के अंदर आपको हो सकता है मिल जाए, अब से 15 दिन के अंदर पॉसिबली। अब क्वेश्चन ये, व्हेन विल द AIBE एग्ज़ाम फॉर्म कब निकल के आएंगे। तो अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि AIBE 17 के जो फॉर्म हैं वो सितंबर में निकल के आ सकते हैं, और जो कोई भी लेटेस्ट अपडेट है AIBE 17 से रिलेटेड वो आपको AIBE की वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो आप AIBE के ऑफिशियल वेबसाइट में नोटिफिकेशन वाला एरिया है, आप उसको ज़रूर विजिट करिएगा। अब एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है 2022 का जो AIBE है। तो एलिजिबल क्राइटेरिया ये है कि आप किसी भी रिकॉग्निशन लॉ यूनिवर्सिटी से या स्कूल से आपने LLB किया हो, चाहे वो 3 साल की हो चाहे 5 साल की हो, और उसके बाद आपने किसी भी स्टेट बार काउंसिल में अनरोलमेंट कराया हो, जैसे UP में यह अलाहाबाद बार काउंसिल है और दिल्ली में दिल्ली बार काउंसिल है, इस तरह से आपने किसी भी में कराया हो, तो तभी आप AIBE का जो फॉर्म है वो आप उस भर सकते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। अच्छा, ये क्या है, व्हाट आर द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर AIBE एग्ज़ाम। तो AIBE के अनुसार जो है आपको 40% एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए 40% मार्क्स लगभग आपको पास आउट मतलब देना ही पड़ेगा, अगर आप जो कैंडिडेट रहते हैं AIBE के। तो साथ ही साथ अगर आप जनरल और OBC कैटेगरी से हैं, अच्छा जनरल और OBC कैटेगरी से 40%, और 35% मार्क्स अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो ये आता है कि पासिंग AIBE एग्ज़ाम नेसेसरी है। तो हाँ, हम BCI की रेगुलेशन को माने, मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम कानून को माने, तो जो है जिन्होंने 2010 के बाद जिन्होंने भी LLB करी है या BLLB करी है या लॉ डिग्री ली है, उनको AIBE क्लियर करना ही पड़ेगा। और उसके बाद आपका फिर एक कह सकते हैं एक परमानेंट प्रैक्टिस करने का, जिसको हम COP बोलते हैं, COP नंबर आ जाता है, सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस, वो आपका मतलब आप तभी मिल सकता है जब आप AIBE एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। तो अगला क्वेश्चन ये, एडमिट कार्ड कब आएंगे। तो एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल एटलीस्ट 15 डेज बिफोर, मतलब जब आपका एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी उससे 15 दिन पहले लगभग आप मान सकते हैं कि AIBE के एडमिट कार्ड आपको मिल जाएंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये कि अगर हम फेल हो जाते हैं बाई चांस AIBE के एग्ज़ाम में तब क्या होगा। तो इफ़ ए कैंडिडेट फेल्स टू क्वालिफाई, AIBE अगर फेल हो जाता है क्वालिफाई करने में, देन अपीयर फॉर नेक्स्ट सीजन, मतलब जब भी आएगा नेक्स्ट तो आप ट्राई कर सकते हैं, देर इज़ नो इशू। तो बेफिक्र रहिए अगर आप फेल हो जाते हैं। अच्छा, इस AIBE एग्ज़ाम ईजी और टफ। तो कहा जाता है एग्ज़ाम इज़ टू बी ईजी टू मॉडरेट डिफ़िकल्टी लेवल, मतलब डिपेंड करता है। वैसे पर्सनल मैंने खुद AIBE भी क्लियर किया हुआ है, तो अगर आपको किताबें पलटना आती हैं तो इट द मोस्ट ईजीएस्ट एग्ज़ाम मेरे हिसाब से। कैन वन प्रैक्टिस लॉ विदाउट पासिंग द बार एग्जाम, नो, क्वालिफाइंग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एसेंशियल टू प्रैक्टिस लॉ इन इंडिया। ये मतलब पूछना चाह रहे हैं क्या बिना AIBE एग्ज़ाम क्लियर किए क्या हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसका आंसर नहीं कर सकते आप, आपको करना ही पड़ेगा। अब देखिए COP की बात कर रहा था, वही क्वेश्चन आ गया, हाउ टू गेट COP आफ्टर पासिंग AIBE एग्ज़ाम। तो आफ्टर डिक्लेयरिंग रिजल्ट
BCI पब्लिश द लिस्ट ऑफ स्टेट वर्क काउंसिल फॉर COP अवेलेबिलिटी टू AIVE पॉजिटिव कैंडिडेट. द कैंडिडेट कैन कॉन्टैक्ट देयर रेस्पेक्टिव स्टेट वर्क काउंसिल टू रिसीव देयर COP. मोर ओवर नाउ BCI विज एनेबल ऑनलाइन फैसिलिटी डाउनलोडिंग COP थ्रू मोबाइल ऐप AIVE स्कोप. हाँ, मैंने यहाँ से डाउनलोड किया हुआ है, आप अगर चाहें तो आप जो है COP नंबर यहाँ से अपना निकाल सकते हैं AIVE स्कोप से. अच्छा, when will be the certificate of practice be issued after pass? तो लगभग 30 दिन के बाद आपका COP लेटर जनरली इशू हो जाता है. What is the passing mark criteria for AIVE? तो इसका passing marks मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, 40% जनरल और OBC को और 35% SC और ST कैटेगरी को. Which book should be referred for AIVE? There is best book for AIVE by Expert Bear Act. Yes, exactly. आप मतलब मेरा भी पर्सनली ये रहेगा कि आप AIVE की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो बेस्ट यही है कि आप जितने भी बेयर एक्ट हैं उनको पलटना, उनकी पेपरों को जो है दिमाग में डालना सीख लीजिए और उनकी सेक्शंस को, ऑर्डर्स को किस तरह से पढ़ा जाता है उनको दिमाग में डालना सीख लीजिए, तो आप बहुत इजीली आप पास कर सकते हैं. और सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पुराने पेपर उठा लीजिए 3-4-5 साल के, आपको वहीं से बहुत आइडिया मिल जाएगा. साथ ही साथ हमारी कुछ अगले इसी चैनल पे बहुत सारे वीडियो जल्दी आने वाले हैं जिसमें हम पुराने पेपर को सॉल्व करना सिखाएंगे. विल आई प्रोवाइड बुक और स्टडी मटेरियल इन एग्जामिनेशन हॉल? नहीं है, आपको बता दूं आपको खुद ले जाने पड़ते हैं. जब मैंने दिया था मैं तो खुद ही ले गया था, आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं कराएगा. ठीक है, तो आप याद रखिएगा. अच्छा, AIVE इज नो मोर ओएन ओपन एग्ज़ाम, मतलब अब ये ओपन बुक एग्ज़ाम नहीं होगा ये कह रहे हैं, बट मोर क्लियरिटी नोटिफिकेशन के बाद ही आएगी, तो आप उसका वेट करिए. देखिए ये क्वेश्चन आ गया, इज AIVE इज एन ओपन एग्ज़ाम टिल 2020 AIVE इज एन ओपन, तो आप 2021 ना दिस मीन 110 नो लॉन्गर हेल्प एनी बुक और स्टडी मटेरियल अलाउड कैरियर विद. इसका मतलब ये सिर्फ आप बेयर एक्ट ले जा सकते हैं, उसके अलावा कोई भी बुक नोट्स वगैरह आप नहीं ले जा सकते. 2020 तक ये था कि आप कुछ भी ले जा सकते थे A to Z आप एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, बट अब सिर्फ और सिर्फ ओनली बेयर एक्ट. इज़ AIVE कंडक्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन? तो मेरे हिसाब से यही भी कह रहे हैं कि ऑनलाइन भी होगा और हाइब्रिड यहाँ तक है, अब जो AIVE है वो हाइब्रिड मोड में होगा जिसमें आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से आप दे सकते हैं. हाउ मेनी अटैम्प्ट आर अलाउड? द नंबर ऑफ अनलिमिटेड कैंडिडेट कैन अपीयर, मतलब बेसिकली कितने अटैम्प्ट दे सकते हैं उसकी कोई गिनती नहीं है, आप जितने अटैम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं. यू कैन मतलब अटैम्प्ट अनटिल यू कैन नॉट क्वालिफाई, तो जब तक आप नहीं कर सकते एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तब आप ट्राई करते रहिए. हाउ मेनी टाइम्स AIVE हेल्ड इन ईयर टिल 2000 AIVE कंडक्ट ट्वाइस इन ईयर और 2020? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दो साल, एक साल में दो बार होते थे, ये रियलिटी है, बट जब से पेंडेमिक आया है तब से ये साल में एक ही बार होने लगे हैं कुछ 2-3 सालों से, तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा. अगर AIVE आता है तो उसको छोड़िएगा नहीं, ज़रूर ट्राई करिएगा. नहीं, फाइनल ईयर स्टूडेंट अपीयर बिफोर एग्ज़ाम? नहीं, कि पास कर दिया है तो ही दे सकते हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो नहीं दे सकते हैं. ठीक है, यू मस्ट एनरोल. हाँ, वही बात आ गई, पास होंगे तभी आप जो है स्टेट वार काउंसिल में आप एनरोलमेंट करा पाएंगे और तभी आप दे सकते हैं. हो कैन पास है या भी एग्जाम एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑल दोज कैंडिडेट 3 ईयर और 5 ईयर LLB जिन्होंने कर रखी है वो जो है दे सकते हैं, मगर जो है ये ध्यान रखना आपको किसी ना किसी स्टेट वार में एनरोलमेंट कराना कंपलसरी है, तभी आप दे सकते हैं. हाउ टू क्लियर AIVE एग्जाम? ए कैंडिडेट कैन क्लियर एग्जाम, मतलब वही है क्वालिफाइंग मार्क्स है, आप वो क्वालिफाइंग मार्क्स की ऐसी टेक्टिक्स बनाइए कि आप वहाँ तक पहुँच जाएँ और आप उसको पास कर सकते हैं. विल नेशनल टेस्ट एजेंसी कंडक्ट दिस एग्जाम? दिस उन्होंने पैसे तो ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया कराती थी, बट देखो इस बार के नोटिफिकेशन में क्या आता है, तो मेरे हिसाब से सारे पॉसिबल डाउट्स हैं वो इस वीडियो में कवर हो गए होंगे, लगभग 10 मिनट की वीडियो है और इसमें हमने ऑल
जो भी मतलब डाउट्स रहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारे डाउट्स कवर कर लिए। अगर आपके दिमाग में भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिएगा, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक काम करे बिना मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए, कोई भी वीडियो आता है तो आपको उसके अपडेट मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।